तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही आसान व सरल तरीका फोल्डर लगाने का। अगर इस तरीके से आप लोग भी फोल्डर लगाएंगे तो आप लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोल्डर लगाने के बाद फोल्डर दिक्कत करने लगता है, और इस तरह से अगर लगाएंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। जब भी आप लोग फोल्डर लाएँ तो सबसे पहले उसको फ्रेम में बिठा के ज़रूर चेक कर लें, फ्रेम में बिठा लें और उसे चेक कर लें, उसके बाद ही उसे पेस्टिंग करें। तो दोस्तों देखो फोल्डर मैंने फ्रेम में बिठा लिया है और ऑन करके पहले फोल्डर चेक करते हैं हमारा सही है। और एक बात का ध्यान रखें, जो फोल्डर के नीचे पन्नी लगी हुई होती है उसे भी निकाल दें। और ये ध्यान रखें कि जो लाइट के ऊपर और जो आईसी या कंपोनेंट जो लगे होते हैं उनके ऊपर जो पन्नी लगी होती है उसे मत निकालें, जो अलग से लगी हुई होती है फर्जी की उसे निकाल दें। इस बात का जरूर से ज़रूर ध्यान रखें। और देख लीजिए मेरा फोल्डर वर्क कर रहा है और सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, फोल्डर तो चेक हो गया। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तो चेक ही कर लें आराम से, 5 से 10 मिनट तक चेक करें, चला के वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह लगा के चेक करें। अगर कोई दिक्कत होगी तो फोल्डर में तो वो पता चल जाएगी। और ये नहीं कि जैसे ही फोल्डर ऑन हुआ 1 2 3 4 5 नंबर तक चेक किया बस उसके बाद तुरंत ही फोल्डर चिपकाने लगे, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। काफ़ी देर तक चिपकाएं ट्राई करें और नंबर से फोल्डर को मत चेक करें। जहाँ तक हो सके तो मैसेज टाइप करके फोल्डर चेक करें, इससे क्या होगा कि जब टच होगी तो फुल टच टेस्टिंग हो जाएगी। और फोल्डर जो मेरा मैंने तो टेस्ट कर लिया है, अब इसमें ग्लू लगाते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इसमें ग्लू कैसे लगाना है। ग्लू आपको ध्यान रखें कि हल्का लगाना है, ज़्यादा मत लगाना ग्लू, ठीक है। और ग्लू लगाने से पहले फ्रेम को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लें, उसके बाद ही ग्लू लगाएं। और जो सेंसर वगैरह होते हैं सेंसर और कैमरा उसको भी ध्यान रखें, उसको बचा के तुमको आप लोगों को ग्लू लगाना है। देख लीजिए मैंने जिस तरह से लगा रहा हूँ उस तरह से ग्लू लगाइए, आराम से लगाएं, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लू हमारा लग चुका है, आप फोल्डर बैठा के दिखाते हैं आपको कि फोल्डर किस तरह से बैठाना है। यही फोल्डर है जो बैठाने का सबसे सही तरीका है। फोल्डर आपको जो फोल्डर का पत्ता है नीचे वाला उस साइड से बिठाना है। देख लीजिए जैसे मैं बिठा रहा हूँ कि देखिए पहले उसको फ्रेम से मिला लेना है और उसके बाद हल्का सा थाप देना है, बस आपका फोल्डर बैठ जाएगा। ये देखिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत ही आसानी से बैठ गया मेरा फोल्डर, इसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर उसके बाद फ़ोन आपको ऑन करके चेक कराते हैं कि मेरा फोल्डर किस तरह का बैठा हुआ है, साइड से लाइट वगैरह तो नहीं दिख रही है। इसलिए देखो किसी फ़ोनों में लाइटें दिखा करती हैं, सैमसंग वगैरह में J2 है J5 में उस तरह देखो दिख तो नहीं रही, एकदम अच्छे से बैठ गया कि नहीं। और मैं फोल्डर लगाते समय गेटिस का यूज़ करता हूँ, आप लोग गेटिस का यूज़ करते हैं या टेप का कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना। वैसे आपको आप तो मान लीजिए कि आप गेटिस यूज़ करेंगे या टेप यूज़ करेंगे तो अच्छा दोनों होता है, बट मैं तो हमेशा गेटिस यूज़ करता हूँ। और गेटिस आपको अगर आप गेटिस यूज़ करते हैं तो गेटिस ज़्यादा दबा के नहीं लगाना है, हल्के हल्के खींच के लगाना है। और फोन ऑन करके आप लोगों को फोल्डर चेक करते हैं कि मेरा फोल्डर किस तरह का चल रहा है और किस तरह का लगा है। तो फ़ोन देख लीजिए मेरा ऑन हो चुका है, बस एकदम रेडी हो चुका है ऑन होने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ोन मेरा ऑन हो